न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, विघ्नेश्वरा मार्बल्स, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्र हुंडई, पीएन घाटी, अभिनव किडनी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, लेस हॉस्पिटल, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अनियंत्रित ओवरलोड पत्थर से लदे लॉरी के धक्के के कारण एक बाइक सवार की मौत, स्थानीय लोगों में आक्रोश। तृणमूल कांग्रेस पार्षद जीतू सिंह ने दिखाई बनावटी तेवर, कहा बोलने नहीं दिया जाएगा तो मैं बोर्ड मीटिंग का करूंगा बहिष्कार। सुनो ना, हमें हाथे चूड़ी पोड़े नहीं, हमारे हाथे बाला है। दुर्गापुर स्थित ईएसआई अस्पताल में तोड़फोड़, मरीज के परिजनों का आरोप, डॉक्टर ने जड़ा थप्पड़। भाजपा कर्मी सम्मेलन में भाग लेने आसनसोल पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और भाजपा के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती। निचले स्तर के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के खिलाफ की शिकायत। सबाई हमारे संगे आछे किंतु हमरा सामने काऊ के आनते पाछी ना। शाकतोड़िया के कोयला व्यवसायी के घर में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर मोटरसाइकिल और सोने के गहनों की पेटियों को किया बरामद, 5 गिरफ्तार। जामुड़िया थाना क्षेत्र के श्रीपुर फाड़ी अंतर्गत बोगड़ा मोड़ के समीप शनिवार की सुबह ओवरलोडिंग पत्थर से लदे एक लॉरी ने बाइक सवार को धक्का मार दिया। अनियंत्रित होकर लॉरी भी पलट गई, जिसके कारण बाइक सवार लॉरी में लदे पत्थर के नीचे दब गया, जिसके कारण बाइक सवार की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर जामुड़िया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। काफी मशक्कत करने के बाद शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया। मृतक की पहचान कराटे प्रशिक्षक निघा निवासी 40 वर्षीय धर्मेंद्र नोनिया के रूप में हुई है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने घटना के संबंध में बताया कि आज सुबह जब वे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो देखा कि प्रचंड ओवरलोडिंग पत्थर से लदी एक लॉरी पलटी हुई है और पत्थरों के नीचे एक बाइक और हेलमेट दिखाई दे रही है। उन लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जेसीबी के माध्यम से पत्थर को हटवाकर बाइक निकाली, उसमें एक व्यक्ति का शव भी बरामद किया। पुलिस ने शव को आसनसोल जिला अस्पताल भेजा। स्थानीय लोगों ने इस घटना के प्रति काफी आक्रोश है। उन लोगों का कहना है कि यह रोड की स्थिति खराब है, आए दिन यहां दुर्घटना होती रहती है, इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। খুব ভোরবেলা হয়েছে, ঠিক একজ্যাক্ট টাইমটাও কেউ বলতে পারছে না। তো আমরা এসে দেখছি যে এখানে একটা বড় 10 চাকার গাড়ি পাল্টি আছে, তার উপরে মানে পাথর ছিল, ক্যারি করে যাচ্ছিল। এবার দেখা গেল যে একটা হেলমেট পড়ে আছে। তো পুলিশ অনেক চেষ্টা করলো, অনেক চেষ্টা করার পরে এখন দেখছি যে একটা বডি পাওয়া গেছে, একটা লোক বাইক। এখন পর্যন্ত আমরা এনএইচের পরে এই বগুড়া চটিতে সম্পূর্ণ সবসময় দুর্ঘটনাগ্রস্ত এরিয়া। এখানে আপনারা দেখতে পাই যে হয়তো সপ্তাহে 2-10 দিন পরে একটা না একটা দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। এখানে অনেক রকম আমাদের রাস্তাঘাটের সম্পূর্ণ বগুড়াচটিটা রাস্তাঘাটের পুরনো রাস্তাঘাট একদম পুরো ভেঙে একদম তছনছ হয়ে আছে। তারপরে আমাদের এই বগুড়াচটির মধ্যে দুদিকে দুটো বাম্পার আছে, সেখানে বাম্পারে কোনো রেডিয়াম লাগা নাই আর নাই, ফলে রাতে যারা গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করে তারা হয়তো বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে যায়, গাড়ি দুর্ঘটনা সবসময় লেগে পড়ে। अभी तक कांग्रेस और भाजपा के पार्षद ही आरोप लगा रहे थे कि आसनसोल नगर निगम की बोर्ड बैठक में उन लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, लेकिन अब यह आरोप तृणमूल कांग्रेस के 41 नंबर वार्ड के पार्षद जीतू सिंह ने भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि यदि बोर्ड की बैठक में उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा तो वे बोर्ड की बैठक को बहिष्कार करेंगे। जब तक उन्हें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी तब तक ये बोर्ड बैठक का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण को लेकर अपना बात रखना चाहते हैं, क्योंकि नगर निगम का राजस्व बढ़ना बहुत जरूरी है और अवैध निर्माण पर सभी को एक साथ मिलकर आवाज उठाना होगा, तभी नगर निगम का राजस्व बढ़ेगा। गौरतलब है कि पिछले बोर्ड बैठक में जब मेयर विधान उपाध्याय बोल रहे थे तो पार्षद रणवीर सिंह उर्फ जीतू बार बार टोकाटाकी कर रहे थे, जिससे क्षुब्ध होकर मेयर ने कहा था कि आप पहले पूरा बात सुनिए उसके बाद बोलिए, यदि ऐसा व्यवहार आप करेंगे वह आपका बोर्ड का बैठक में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने एक अभियंता का कार्यकाल बढ़ाए जाने के मुद्दे पर आगामी 29 नवंबर की बोर्ड बैठक में चर्चा करने का एक पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने बोर्ड का निर्णय का विरोध किया है। इस पर रणवीर सिंह उर्फ जीतू ने भी अपना हस्ताक्षर किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जीतू सिंह बोर्ड का निर्णय के खिलाफ है। अब देखना है कि टीएमसी नेतृत्व रणवीर सिंह उर्फ जीतू के बागी तेवर के खिलाफ क्या कदम उठाता है। टीएमसी नेतृत्व चाहे जो भी कदम उठाए, लेकिन विपक्ष के नेता भाजपा पार्षद चेताली तिवारी ने ट्वीट कर इस मुद्दे पर कहा है कि टीएमसी पार्षद के बयान के बाद यह स्पष्ट पता चलता है कि
आसनसोल नगर निगम में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। देखिए जिस बोर्ड जेई बोर्ड मीटिंग है जो चेयरपर्सन तक है अगर उसको सच्चाई सुनने का अगर कैपेसिटी नहीं है तो आमी ওই মিটিং এ যে কিছু বলতে পারবো না। আমি এই দলের আমি জানি যদি পুরো ইন্ডিয়াতে যদি কোনো নেত্রী আছে যে সত্যবাদী কাজ করতে চায় আমাদের সবসময় বলে কারাপশন থেকে দূর থাকো, নিজে না খেয়ে গরিব মানুষকে খাওয়া। তাহলে কি বলতে চাইছেন কি এই বোর্ডে কারাপশন চলছে তার জন্য? না, বোর্ডে কারাপশন চলছে, বোর্ডের সিস্টেমটা ঠিক নাই। বোর্ডের সিস্টেম এলে এই মেয়র সাহেবই একমাত্র লোক যে বোর্ডের সিস্টেমটা ভালো করে আনতে পারে। আর যদি সিস্টেম হয়ে যায় তাহলে কোনো কাউন্সিলরকে মেয়র সাহেব বলবে না কি টাকা নাই, টাকা নাই, এটা সত্যি কথা। আপনার অভিযোগ কার বিরুদ্ধে? আমার অভিযোগ কার? আমার অভিযোগ আছে, আমার অভিযোগ আছে সিস্টেমের উপর। দেখুন আমরা নিজে একটা ব্যবসাদার, আমি ব্যবসাদার, আমি এডুকেটেড লোক, আমি জানি সিস্টেম কীভাবে হতে পারে। সিস্টেম আছে, মানুষ চায় কর্পোরেশনকে হেল্প করার জন্যে, আপনাকে ওখানে পৌঁছাতে হবে। যেবারে দুয়ারে সরকার আমার দিদি লাগায় লোকের সুবিধা দেওয়ার জন্যে, সেভাবে দুয়ারে ট্যাক্স লাগান, দুয়ারে ইলিগাল কনস্ট্রাকশন হচ্ছে ওটা লাগান, তাহলে না পয়সা আসবে। দাদা বিনা পয়সার কোনো ব্যবসা করতে গিয়ে মার্কেটিং করতে হয়, মার্কেটিং করতে গিয়ে পয়সার দরকার, ফাইন্যান্স দরকার। তাহলে আপনি কালকে কী করছেন? কালকে না, 29 তারিখে আমি বোর্ড মিটিংয়ে যাব না। আমি যতক্ষণ না আমার দুটো চিঠি যে আমি দিয়েছিলাম বোর্ড মিটিংয়ে জবাব না হয় আমি বোর্ড মিটিংয়ে যাব না। কেন? আমি মেয়র সাহেবকে যেহেতু রেসপেক্ট করি, আর এমনি মেয়র সাহেব পাওয়া পাবে না। আর মলয় ঘটক সাহেবকে আমি অলরেডি বলে দিয়েছি আমি বোর্ড মিটিংয়ে যাব না, আর মলয় দাকে বলেছি। তো আপনার ওয়ার্ডের সমস্ত কাজ থমকে যাবে। দাদা কাজ থমকে কেন? কাজ শুনুন, ও তো ইজি নাই, এখন সবার কাজ হবে, আমার ওয়ার্ডেরও কাজ হবে। শুনুন, আমি হাতে চুড়ি পড়ে নাই, আমার হাতে বালা আছে, এখন সবার কাজ হবে। কাজ কবে হবে? যবে টাকা কর্পোরেশন থাকবে। কর্পোরেশনের টাকা নেই, আমরা মেয়র সাহেবকে কিচ্ছু বলতে পারছি না, কারণ উনি অত্যন্ত ভালো আর ভদ্রলোক। दुर्गापुर विधाननगर स्थित ईएसआई अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में एक मरीज के परिजनों के ऊपर अस्पताल प्रबंधन ने तोड़फोड़ करने का आरोप लगाई है। शनिवार की सुबह घटी इस घटना की लिखित शिकायत दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाने में की गई। प्रबंधन का आरोप है कि एक महिला मरीज के परिजनों ने इमरजेंसी विभाग के कंप्यूटर, प्रिंटर एवं अन्य सामग्रियों को तोड़ दिया। वहीं मरीज के परिजन का आरोप है कि वे लोग जब अपने मरीज के हाल जानने के लिए डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टरों ने आक्रोशित होकर थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। घटना की सूचना न्यू टाउनशिप थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। আমাদের হসপিটালে একটা সিস্টেম আছে, আউটডোরে যখন দেখানো হয় ডেলিভারি পেশেন্টের একটা ইডিডি বলে ডেট থাকে, এক্সপেক্টেড ডেট অফ ডেলিভারি। এই ইডিডিটা আমরা বলে দিই তার আগে দিন কয়েক আগে এসে সে যেন ইমার্জেন্সিতে এসে আমাদের হসপিটালে ভর্তি হয়ে যায়, যাতে ওই পার্টিকুলার সময়টাতে আমরা পেশেন্টকে উপযুক্ত চিকিৎসাটা দিতে পারি। তার দু একদিন আগে চলে আসতে পারি। আমি এসে যেটা শুনলাম এই পেশেন্ট সেই ডেটটাকে ফেল করেছিল, আসতে পারেনি। আজকে যখন আসে, এসে পেশেন্টের সঙ্গে যিনি ইমার্জেন্সিতে যে ডাক্তারবাবু ছিলেন তার সঙ্গে রেফারাল সংক্রান্ত কিছু বিষয় নিয়ে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়, তারপরে একটা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। আমি শুনলাম যে একটা পেশেন্টকে নাকি মেরেছে, মানে পার্টিকে মেরেছে। কে মেরেছে? ডাক্তারবাবু? ডাক্তার ফরেন নাকি মেরেছে? কেন মারলো? কেন ঘটেছে? ডাক্তারকে দেখাতে ভর্তি করাতে, ডাক্তার বলছে এখন দেখা হবে না, অমুক না তমুক না, আমি যা শুনলাম মেয়ে তো ওই প্যাথক বলছে দেখুন এমনি 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 অবস্থা ইয়ে ভালো, ওকে যা দেখুন আমাকে, তখন আমাকে ধরেন মেরে। অভিনব কিন্নি হাউস एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन,
हॉलमार्क सिल्वर। साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव गिन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। अलेक्सा टर्न ऑन माय कार्स AC। Introducing the new Hyundai Venue. अगर आप बाइक के शौकीन हैं, तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान। वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस, दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अपने सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघर मंदिर के विपरीत, NH2 आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, लगता बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। पुरुलिया और बांकुड़ा में भाजपा पंचायत कर्मी सम्मेलन के बाद शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और भाजपा के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती आसनसोल जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे। वहां दोनों नेताओं ने भाजपा कर्मी सम्मेलन में भाग लिया। भाजपा कर्मी सम्मेलन के पहले पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, भाजपा हिंसा मुक्त भारत चाहता है, लेकिन बंगाल इस मामले में काफी बदनाम हो गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि एक तरफ ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को भाई कहती है और दूसरी तरफ उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करवाती है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दिलीप दे, भाजपा नेता पवन सिंह, निर्मल कर्मकार समेत भाजपा के सैकड़ों नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। बीजेपी बार बार दल परिवर्तन करछेन बोले खुद वामपंथी नेतारा बोलछेन। देखो, आमी किन्तु ममता बनर्जी बिराट बड़ो फॉलोअर,
আমার গুরু হলো রাজনীতির মমতা ব্যানার্জি। উনি যা যা করেছেন দেখুন, আমি তাই তাই করেছি। দেখুন, উনি আগে কংগ্রেস করতেন, আমি কংগ্রেস করতাম। আমি ছাত্র পরিষদের 9 corner সিট জিতে এসেছি। তারপরে আমি যে মুভমেন্টের সাথে যুক্ত হয়েছিলাম, মুখে বলছি না, উনিও তাই করেছেন। উনি ওদের সাথে CPM-কে হারাবার জন্য ওদের সাথেও হাত মিলিয়েছেন, আমি ছিলাম। তারপর উনি 10 বছর BJP-র সাথে ছিলেন, NDA-র সাথে, আজকে আমি BJP-র সাথে। দেখুন, মিলছে না? মমতা ব্যানার্জিকে কোনো BJP নেতা এই অসভ্যতায় গালাগাল দিয়েছে? দেননি। কোনো CPM নেতা দিয়েছেন? দেননি। কোনো কংগ্রেস নেতা দিয়েছেন? দেননি। কে দিয়েছেন? একমাত্র তৃণমূলের, যে ডিক্লেয়ার করেন নিজেকে আমি হলাম তৃণমূল। সব থেকে কটু কথায়, অকথ্য ভাষায় গালাগাল যদি কেউ দিয়ে থাকেন মুখ্যমন্ত্রীকে, তিনি তো মুখ্যমন্ত্রী কী করলেন? মাস্টার স্ট্রোকটা কাউকে কিচ্ছু বলেননি, বলেছেন? বলেননি। একটা থালা দিয়ে দিয়েছেন, আর থালা দিয়ে বলেছেন রোজ সকালে উঠবে, থুতু ফেলবে আর চাটবে, এক থু, আর দেখুন সব চেটে যাচ্ছে। আমার মন্ত্রী এই, আমার মন্ত্রী এই, যতক্ষণ না মুখ্যমন্ত্রীর এই হৃদয়টা ঠান্ডা হবে ততক্ষণ ওই থালা দিয়ে বসে রাখবে। সেই জন্য এই সব এলি তেলি গঙ্গারামদের হাতের TRP নিয়ে আমার TRP কম করার চেষ্টা করবেন না। বিতর্ক কেন হচ্ছে আমরা জানি না, আপনারা বিতর্ক করছেন। একজন বিরোধী দল নেতা, তাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডেকেছেন চা খেতে, অনেক আগে ডাকতে পারতেন। কিন্তু আমরা জানি কিছু প্রাণী আছে যারা স্বচ্ছ জল খায় না, ঘোলা করে নিয়ে তবে জল খায়, সেই জন্য করছে। হয়তো স্যার মমতা ব্যানার্জি, শুভেন্দু স্যার, মমতা ব্যানার্জি নে কাহা হ্যায় কি ছোটে ভাই হ্যায় শুভেন্দু অধিকারী, আপ ক্যা কহেঙ্গে? দেখি, উমর মে তো উনসে ছোটে হ্যায় আর উনসে কো উনকো ভাই বোল রহে হ্যায় তো আচ্ছা হ্যায়, লেকিন ইয়ে ভ্রাতৃত্ব বোধ বনা রহনা চাহিয়ে না। স্যার ইয়ে রাজনীতি হ্যায় ইয়া ডর হ্যায়? ভাই বোলেঙ্গে আর হামলা করেঙ্গে BJP কার্যকর্তাকে উপর, এ তো নেই চল সকতা। কল জব ও ভাই বোল রহে থে উসি সময় নৈহাটি মে হামারে কার্যকর্তা মিউনিসিপ্যালিটি মে ডেপুটেশন দেনে কে লিয়ে গয়ে, মহিলা কো পিটা গিয়া, 400-500 গুন্ডা বেঠে হুয়ে থে। তো এসে ভাই বোল কে কোই বচনে ওয়ালা নেই হ্যায়। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार और भाजपा के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती ने पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बर्धमान जिले में भाजपा की पंचायत कर्मी बैठक में भाग लिया। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती के सामने भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के जिला नेतृत्व के खिलाफ जमकर रोष जताया। आसनसोल के सलानपुर की महिला BJP नेत्री यमुना समद्दर ने आसनसोल के जिला अध्यक्ष दिलीप के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान भाजपा जिला नेतृत्व उन लोगों के साथ नहीं खड़ी हुई। मिथुन चक्रवर्ती और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार के सामने जिला नेतृत्व को लेकर और कई शिकायत सुनाई गई। पंचायत चुनाव से पहले एक बार फिर भाजपा नेतृत्व संकट में है। আমি বারাবনী বিধানসভা থেকে বলছি, আমার বিধানসভাতে ভোটের পরে লোকসভা বিধানসভা নির্বাচন 21-এর পরে আমাদের কর্মীরা প্রচন্ড অত্যাচারিত হয়েছে সেখানে। দাদা, আপনার কাছে এই জন্যই বলছি, আমরা কিন্তু সত্যি উপনেত্রীদের থেকে সেইভাবে কিছু হেল্প পাইনি, মানে তাদেরকে ফোনে পাওয়া যায়নি, অনেক রকম অসুবিধা হয়েছে, এইটা একটা ব্যাপার। যেমন আরেকটা, যে এখন আমরা সাধারণ মানুষ যারা, তারা বলছে সবাই আমাদের সঙ্গে আছে, কিন্তু আমরা সামনে কাউকে আনতে পারছি না। দু একজন কর্মী যারা ছিল তারাও ভেতরে ঘরে ঢুকে যাচ্ছে ভয় পেয়ে। আমাদের বারাবনী, আমি বারাবনী বিধানসভায় যেহেতু থাকি তাই সেটা নিয়েই বলছি, ভীষণভাবে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত। তাদেরকে আপনি যদি কোনো রকম গাইড দেন, ওপেন মঞ্চে নয় দাদা, আমাদের ওপর নেতৃত্বকে দেবেন, তারা যদি বলেন আমরা কীভাবে ওনাদেরকে, সাধারণ মানুষকে সামনে আনতে পারি, তাদেরকে বের করতে পারি। এর আগের দিনই আমি শুনলাম যে আমাদের বিরোধী দল নেতা বললেন 50 জন কর্মী। দাদা, আমি বলছি আমাদের বিধানসভাতে আমরা বুথে বুথে 5 জন কর্মীকে এখনো এক করতে পারছি না। বলছি একটা লোক আছে, সেই লোকটা একা ওপরে বসে আছে, তার নাম হলো ভোলে দানি, তার উপরে ভরসা করুন। হামনে সুনা হ্যায় ভোলে দানি হ্যায় নাম তেরা, ও দানি কো ইয়াদ কিজিয়ে, ও দানি সব খতম কর দেগা, কোই নি বাঁচ পায়েগা এসে। 2 নম্বর, আপনি কিভাবে মানুষকে নিয়ে আসবেন, আপনাকে কন্টিনিউয়াসলি এফর্ট করতে হবে। আগার পাহাড় যদি নিচে না আসে তাহলে আপনাকে পাহাড়ে পৌঁছতে হবে। আমাকে কেউ সুপারস্টার করেনি, না মিডিয়া করেছে, না মা অনলি মানুষ করেছে। এই যত জনজেকশন, ওদের ভালোবাসাতে আজ আমি মিঠুন চক্রবর্তী, আমি ওদের কাছে পৌঁছেছি। আপনাকে পাহাড়ের কাছে পৌঁছতে হবে,
पार तो आसबे ना। कुर्टी थाना क्षेत्र के साकतोड़िया फाड़ी अंतर्गत साकतोड़िया निवासी कोयला व्यवसायी सुशील अग्रवाल के घर में बीते 14 नवंबर को कुछ बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें लाखों नकदी और सोने चांदी के गहने की लूट हुई थी। व्यवसायी पुत्र के द्वारा इसका विरोध करने पर बदमाशों ने उनके पुत्र को गोली भी मारी थी, जिसके कारण दो घायल हो गए थे। इस घटना का तफ्तीश करने के लिए स्वयं पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम भी गए थे, जिसके बाद पुलिस ने इस घटना के मास्टरमाइंड दीपक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें व्यवसायी का कार चालक भी शामिल है। अब इसके बाद पुलिस गिरफ्तार लोगों को घटनास्थल पर ले जाकर विशेष अभियान चलाई। इस दौरान पुलिस ने रात के अंधेरे में अपराधियों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर छोड़े गए मोटरसाइकिल, सोने के आभूषणों की पेटियां समेत कई सामान बरामद किया। इस अभियान में सकतोड़िया फाड़ी प्रभारी अजय बाग और कुल्टी थाना के अधिकारी भी मौजूद थे। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद। मॉडर्न फर्नीचर सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम समीरन राय रोड गोधुली गुरुद्वारा के पास आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सेंड्रेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, चाचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी आश्रम मोड़ और बस्तीन बाजार आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। त्योहार और लगन के इस सीजन में मन लुभावन और आकर्षक परिधानों के लिए पधारे मोहनदा फैमिली स्टोर, आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहनदा फैमिली स्टोर। हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, सिटी रोड आसनसोल। स्टोर में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच, साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड आसनसोल सेंटर। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेगी सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाज की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सक सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित प्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस। ज्योति नगर नियर वेबल IT पार्क आसनसोल 3।
राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री सह विधान चंद्र कॉलेज में गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष मलय घटक ने विधान चंद्र कॉलेज परिसर में कंप्यूटर हॉल का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस कंप्यूटर हॉल में 151 कंप्यूटर उपलब्ध है, जिससे कॉलेज के विद्यार्थी सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर ऑनलाइन आयोजित परीक्षाओं में भाग ले सके। इसके अलावा उन्होंने इको पार्क और एनसीसी कैंडिडेट के लिए एक भवन का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर बीसी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फाल्गुनी मुखर्जी, केएनयू के वाइस चांसलर डॉक्टर साधन चक्रवर्ती, मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी, अनिमेश दास के साथ कॉलेज के प्रोफेसर और कर्मचारी उपस्थित थे। इस दौरान मंत्री मलय घटक ने कहा कि त्रिमू सरकार के आने के बाद राज्य के साथ पश्चिम बर्धमान जिले में भी तेजी से विकास हुआ है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर फाल्गुनी मुखर्जी ने कहा कि मंत्री हमारे कॉलेज के प्रशासन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। वो हमेशा कॉलेज के विकास के लिए सदैव खड़े रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को ही कॉलेज में भौतिक विषय को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सिंगापुर से आए भौतिक के विशेषज्ञों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब्दील हो रहे नए अनुसंधानों के बारे में विद्यार्थियों को बताया, ताकि यहाँ के विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ आगे बढ़ सके। आसनसोल बावरी समाज के द्वारा शनिवार को संविधान सभा दिवस पालन किया गया। यह कार्यक्रम आसनसोल बावरी समाज कार्यालय परिसर में हुआ। इस मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आसनसोल जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास उपस्थित थे। इस दौरान पश्चिम बंगाल बावरी समाज के महासचिव राजवंशी बावरी ने बताया कि आज हम लोगों ने संविधान सभा दिवस पालन किया है, क्योंकि आज के ही दिन 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को सभा में रखा था। वहीं जिला अध्यक्ष के चिकित्सा अधीक्षक निखिल चंद्र दास ने कहा कि पहले का समाज मनुस्मृति के नियम कानून से चलता था, जिसमें दलितों को अछूत माना जाता था। लिखे चिलन हमारा जानी जे गणतंत्र प्लेटो थे नहीं प्लेटर एक थियोरी आज प्लेटो थे गणतंत्र नहीं फ्रांस जगह नहीं साम्य कथा नहीं आज के संविधान दिवस अंगीकार कर लम्बा चाहिए संविधान जीवित थकुक भारत संविधान जिंदाबाद और पशापाशी প্রতিটা মানুষের শুধু আমরা এই শুধু যারা ব্যুরোক্র্যাটে আছে তাদের দায়িত্ব নয়, যারা প্রশাসনের কাছে তাদের দায়িত্ব নয়, আমাদের প্রতিটা মানুষকে জাগৃত হতে হবে সংবিধান সম্বন্ধে। সংবিধান আমাদের একটা আয়না দর্পণ, আমাদের আমাদের হিন্দু ধর্মের জন্য যেমন গীতা একটা ধর্মের একটা আয়না, মুসলিমদের জন্য যেমন কোরআন, খ্রিস্টানদের জন্য বাইবেল, তেমন প্রত্যেক একটা আয়না একটা এই সংবিধানকে ধরে রাখার জন্য তাই আজকে আমরা অঙ্গীকার সংকল্প করলাম। কেন আমরা জানি যে এই যে বাবা সাহেবের মূর্তি, এই যে ফটো, এখন কিছুটা প্রচার প্রসার হয়েছে এবং এই জায়গাতে যেটা হচ্ছে আর কি, যে আমরা তার আদর্শকে মানছি না, উনি যে কথাগুলি বলে গিয়েছিলেন সেইগুলো আমরা মানছি না, আমরা তাকে ভগবানের পর্যায়ে নিয়ে গেছি, তাকে ফুল দিচ্ছি, ধূপ দিচ্ছি, মালা দিচ্ছি, কিন্তু তিনি যে কথাগুলো পালন করতে বলে গিয়েছিলেন আমাদেরকে সেইগুলো কিন্তু আমরা পালন করছি না। উনি নিজে চাননি কখনো, বাবা সাহেব কখনো চাননি যে ওকে ফুলমালা দিয়ে পূজা করা হোক, তার পোস্টার নিয়ে ঘুরে বেড়ানো। ওই চেয়েছিল যে আমি যে স্বপ্নটা দেখেছি যতটুকু করতে পেরেছি, যেটা করতে পারিনি সেগুলো যেন পরের প্রজন্ম এগুলোকে যেন করতে পারে, সেটাই হচ্ছে গিয়ে মূল কথা। शनिवार की शाम को आसनसोल के मुर्गासोल स्थित फिटनेस जिम एंड स्टूडियो में रविवार से होने वाले बिग बैश 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के टीम SSCA द्वारा अपने खिलाड़ियों को जर्सी प्रदान किया गया। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही है। टीम SSCA के प्रमोटर एस मुरली और मिथुन गोराई ने अपने टीम के खिलाड़ियों को जर्सी प्रदान किया। 3 दिसंबर तक यह टूर्नामेंट लोको ग्राउंड में आयोजित होगा। सी मुरली ने बताया कि SSCA को उन्होंने और उनके पार्टनर मिथुन गोराई ने खरीदा है। इस मौके पर टीम के पार्टनर मिथुन गोराई के साथ ही टीम के स्पॉन्सर फिटनेस GS एंड स्टूडियो के मालिक विकास पारिक और प्रियंका पारिक भी मौजूद थे। सी मुरली ने अपने टीम और प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी। आज हम लोग जर्सी लॉन्च किए हैं, तो उस बाकी जितना इसमें 15 प्लेयर हैं, 15 में 2 19 का, 1 16 का और बाकी सीनियर प्लेयर जो बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। प्रोफेशनल क्रिकेट मैच होने वाला है, ये फर्स्ट टाइम आसनसोल में हो रहा है। तो ये क्या आप लोग खेला को और प्रमोट करने के लिए क्या इस तरीके का, ये सबसे बड़ी बात है, आदमी बोलते हैं ना खेलते धुलते रहने से स्वस्थ रहेंगे, इसी को प्रमोट करने के लिए हम लोग हर खेल में इन्वॉल्व रहते हैं, हर खेला को प्रमोट करना चाहते हैं। अगर किसी को नीड है, किसी को दरकार है, उसको भी जो भी गेम हो, वो शायद फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, लॉन्ग टेनिस हो, हम लोग प्रमोट करते हैं। क्योंकि मैं भी अभी तक क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसलिए इसमें एक अलग लगाव है, इसलिए इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ।
न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, जस्ट ज्वेलरी, विघ्नेश्वरा मार्बल्स, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्र हुंडई, पीएन घाटी, अभिनव किन्नी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, ब्लिस हॉस्पिटल, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग,